नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो गया है 18 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। बड़ी खबर पंजाब के, आपको बता दें, सटे सीमा पे पाकिस्तानी ड्रोन घुसा है। भारत ने किया 20 राउंड फायरिंग, पाकिस्तानी ड्रोन, दो ड्रोन तबाह। बड़ी खबर निकल के आ रही, सीमा पे मार गिरा है पाकिस्तानी ड्रोन। दूसरी बड़ी अपडेट खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद कैंप के 20 नेता, उन्होंने दिया इस्तीफा, भाजपा में शामिल होने की खबर। तीसरी बड़ी अपडेट, फ्रांस ने मोदी सरकार के दाव पे लगाई मुहर। पेरिस में पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। चौथी बड़ी अपडेट, सीरिया पर फिर से मिसाइल हमला किया, इजराइल को रोक नहीं पाएगा ईरान। सीरिया और हिजबुल्लाह किया बड़ा ऐलान। पांचवी बड़ी अपडेट बताएंगे, भारत करता रहेगा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। यूएनएससी में आतंकवाद पर मोदी सरकार ने दुनिया को दो टूक कह दिया है। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग पर गृह मंत्रालय ने आपात बैठक। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक बुलाई गई है। इसके साथ ही सब कुछ खबरें एक एक करके बताएंगे। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, 21 नवंबर को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रहा INS विशाखापत्तनम। तो दोस्तों एक एक करके बताएंगे, पाकिस्तान ने की थी सऊदी अरब UAE को बदनाम करने की कोशिश, अब जाकर हुआ है बड़ा खुलासा। तो वहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में लगभग 14 राज्यों के 83 जगहों पर छापेमारी, कईयों को गिरफ्तार किया गया है। NIA और CBI की बड़ी कार्रवाई। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलता रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की कश्मीर में ऑल आउट होंगे आतंकी। जी हां, दरअसल TRF के 1 घंटे में 5 आतंकी ढेर। बड़ी खबर, बड़ी सफलता हाथ लगी है सेना के। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। अब कुलगाम में सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आतंकवादियों को 1 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिया है। एनकाउंटर और ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद सेना ने यह बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम के पाबंबे में 3 और गोपालापुर में 2 आतंकी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक गुप्त जानकारी के आधार पर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया है और फिर कुलगाम के पाबंबे इलाके के 3 आतंकियों का सफाया कर दिया है। सेना ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया है और उन्हें भगाने का एक भी मौका नहीं दिया गया। सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में आवाजाही पर रोक लगा दी है और ट्रैफिक को बिल्कुल सीमित कर दिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही, यानी TRF के 5 आतंकी 1 घंटे में ढूर रहना है अपने आप में सेना के हाथ। बड़ी सफलता मानी जा रही, क्योंकि दोस्तों TRF जो है लगातार कहीं ना कहीं जो हिट चुन चुन कर जो टारगेटेड किलिंग की जा रही है उनमें TRF का भी बड़ा हाथ है। और ये इनमें से 4 कमांडर बताए जा रहे हैं, 4 कमांडर, 1 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट, इंटरनेशनल कोर्ट के दबाव में झुका पाकिस्तान, कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत। दोस्तों पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को बड़ी राहत मिली हुई है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के अनुसार अपील करने का अधिकार देने के लिए संसद के संयुक्त सत्र में एक विधेयक पारित कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने पाकिस्तान को बिना देरी एक के भारत को राजनयिक मुहैया कराने को भी कहा था। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट का रुख किया था। पाकिस्तान द्वारा राजनयिक पहुंच नहीं देने और दिए जाने और मौत की सजा को चुनौती दी थी। लेकिन आपको बता दें अब ये भारत के लिए बड़ी जीत है। दरअसल हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में दिए गए फैसले में कहा था कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराने के फैसले और सजा के प्रभावी तरीके से समीक्षा और पुनर्विचार करे। ये तरीकी इस तरीके से हेग द्वारा जो है ये इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाया था और अब बिना देरी के पाकिस्तान को करना पड़ेगा। जब भारत की सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को BSF के जवानों ने 20 राउंड लगभग फायरिंग की, 2 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। दोस्तों पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर से पाकिस्तानी के 3 ड्रोन घुसा दिए थे। हालांकि सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों ने फायरिंग के बाद पाकिस्तान की ड्रोन को मार गिराया है। आपको बता दें यह घटना कल बताई जा रही है। अमृतसर की तहसील अजनाला की बॉर्डर आउटपोस्ट पर हुए BSF के जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को देखते ही ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग की दी, जिनमें 2 ड्रोन गिर गए थे। एक ड्रोन जो है वो बच निकलने में कामयाब रहा, 1 ड्रोन पाकिस्तानी सीमा पर गिरे थे। इस बीच आपको बता दें BSF ने लगभग 20 राउंड फायरिंग की थी और घटना के बाद पुलिस और BSF के जवानों का सर्च ऑपरेशन भी चला। पंजाब में सीमा पार से ड्रोन के आने का सिलसिला काफी पहले से ही जारी है।
अक्टूबर के महीने में दो बार पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसे थे। अक्टूबर के अंत में अमृतसर के पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। यहाँ अजनाला थाना क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर शाहपुर सीमा चौकी के पास एक ड्रोन देखा गया था, जिसे सीमा सुरक्षा बल की 73वीं बटालियन ने फायरिंग कर खदेड़ दिया था। फायरिंग के बाद ये वापस पाकिस्तान की ओर चला गए थे। अगली अपडेट, बीएसएफ पर पलटवार, अधिकारी बोले नया कानून राज्य पुलिस से विवाद पैदा करने के लिए नहीं है, छेड़छाड़ के आरोप को वो बुनियाद बताया। दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी ने टीएमसी को लेकर करारा जवाब दिया है सेना ने। पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ का क्षेत्र अधिकार बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव ममता बनर्जी ने पास कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने तो सीमा सुरक्षा बल पर महिलाओं से छेड़छाड़ करने का तक आरोप लगा दिया। इस पर बीएसएफ ने पलटवार करते हुए कहा है कि अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र अधिकार बढ़ाए जाने के बाद बीएसएफ ने पुलिस टकराव के पैदा होने की बात गलत है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को आधारहीन करार दिया है और कहा है कि ऐसी बातें उन्हें राजनीतिक मकसद से बदनाम करने के लिए की जा रही है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही जब बंगाल में बीएसएफ का क्षेत्र अधिकार बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था, तो टीएमसी विधायक उदयन गुहा ने आरोप लगाया कि बीएसएफ के जवान महिलाओं के साथ तलाशी लेते वक्त छेड़छाड़ करते हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें, बीएसएफ चीफ ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस तरीके के आरोप का हम खंडन करते हैं। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कैंप के 20 बड़े नेताओं ने दिया ताबड़तोड़ इस्तीफे। सोनिया गांधी के मुंह पे इस्तीफा दे मारा है। गुलाम नबी आजाद के सब हैं सारे करीबी, इनमें 4 पूर्व मंत्री, कई विधायक शामिल। दोस्तों जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के भीतर फूट पड़ती दिख रही है। यहाँ गुलाम नबी आज़ाद गुट के कई नेताओं ने पार्टी हाईकमान के को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की पार्टी के नेताओं को नज़रअंदाज कर रही है। दरअसल जीएम सरूरी, विकास रसूल वानी, जुगल किशोर शर्मा, मनोहर लाल शर्मा, नरेश गुप्ता, गुलाम नबी मोगा, सुभाष गुप्ता समेत 20 कद्दावर नेता, जिनमें पूर्व मंत्री और विधायक हैं, वो सब ने सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंप दिया है। अब माना जा रहा है कि ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में देश हित में जुड़ सकते हैं, देश हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं। ऐसे में अगर ये बीजेपी के साथ आते हैं तो एक बात क्लियर है कि आने वाले समय में देर आए या सवेर, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद भी भाजपा में शामिल जरूर होंगे। अगली अपडेट, फ्रांस ने मोदी सरकार के दावों पर लगाई मुहर। पेरिस में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रस्ताव पास हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत और फ्रांस को एक साथ खुलकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। भारत और फ्रांस ने बुधवार को पाकिस्तान में स्थिति सरकार समर्थित आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा, एलईटी जैसे मोहम्मद जेम, हिजबुल मुजाहिदीन को और अलकायदा जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई है और इन आतंकी संगठनों में शामिल आतंकियों को इंसाफ के कटघरे में लाने की मांग की गई है। इस बीच आतंकवाद को लेकर राजधानी पेरिस में भारत और फ्रांस के बीच अहम बैठक हुई है, जिनमें फ्रांस ने पाकिस्तान की तरफ से इशारा करते हुए भारत के साथ संयुक्त बयान में कहा है कि सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना निंदनीय कार्रवाई है। इंडिया फ्रांस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की बैठक में फ्रांस ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जमकर निंदा की है। भारत और फ्रांस द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि सभी देशों के लिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके नियंत्रण में आने वाले देशों का उपयोग किसी अन्य देशों के खिलाफ आतंकवादी हमला की योजना की बात बताई है। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको बता दें, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ टॉप कमांडर जितने भी हैं, इन सब के खिलाफ प्रस्ताव जो है वो फ्रांस ने पास कर दिया है और आतंकवाद विरोधी सहयोग को भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के आधारशिला के रूप में वर्णित किया है और खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी पर बल दिया गया है। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक साथ रहने की बात फ्रांस ने कही है और इन सारे आतंकियों को जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की भी जोर दिया गया है। तो ये एक लाइक फ्रांस के लिए बनता ही। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, भारत करता रहेगा पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, यूएनएससी में आतंकवाद पर मोदी सरकार की दो टूक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लथाड़ लगाई है और फौरन पाकिस्तान अधिकृत में कश्मीर पीओके खाली करने को कह दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत को ने कहा है कि इस बात को पूरी दुनिया जानती है और समझती है कि पाकिस्तान वो देश है जो खुलेआम आतंकियों को समर्थन देता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच को भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत खिलाफ
सद्भावनापूर्ण प्रचार के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए इस्लामाबाद की जमकर खिंचाई की और पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर के सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कह दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर टारगेटेड किलिंग मामले में गृह मंत्रालय अलर्ट, सुरक्षा दिल्ली में सुरक्षा बैठक अहम बुलाई गई। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा और टारगेटेड किलिंग मामले में गृह मंत्रालय लगातार सजग है और इस संबंध में बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई। पिछले कुछ समय से केंद्र शासित प्रदेश में टारगेटेड किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। गृह मंत्रालय में बुलाई गई अहम बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा खुफिया विभाग के अधिकारी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, एनआईए और सीआरपीएफ के डीजी और सुरक्षा महकमे के जुड़े आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हाई टारगेटेड किलिंग को लेकर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लेकर मुख्य एजेंडा रहा। अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, रशिया से S-400 मिसाइल खरीद पर अमेरिकी सीनेटरों का भारत को समर्थन, कहा हमारे साथ मजबूत हो रहे हैं संबंध। दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी के एक प्रमुख सांसद ने रूस से S-400 मिसाइलें खरीदने पर नई दिल्ली को प्रतिबंध से छूट देने के बढ़ती मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध मजबूत हो रहे हैं। सीनेटर टॉमी टॉबर विले ने कहा है कि वो रूस की S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद के लिए भारत को प्रतिबंध से छूट देने का समर्थन करते हैं। S-400 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले रूस से सबसे आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। हालांकि दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता दें कि कई सांसदों ने, रिपब्लिकन सांसदों ने भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों में से छूट देने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर चाइना से मुकाबला करना है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से चाइना से मुकाबला करने के लिए हमें भारत से जो है भारत पर बैन नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ टॉमी टर्बीवाला ने कहा है कि भारत के साथ हमारे मजबूत संबंध हो रहे हैं। हमने भारत की ओर चीन की आक्रामकता पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उच्च अधिकारियों से मुलाकात की है। ऐसे में इस तरीके से भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हम चलते हैं अगले अपडेट। समुद्र में भी बढ़ेगी भारत की ताकत। 21 नवंबर को नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होगा INS विशाखापत्तनम। दोस्तों, भारतीय नौसेना के स्थापना दिवस से पहले नौसेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। 25 नवंबर को चौथी कलवरी श्रेणी को पनडुब्बी बेला को 25 नवंबर को मुंबई में परिचालन सेवा में शामिल किया जाएगा। वहीं इससे चार दिन पहले यानी 21 तारीख को स्वदेशी स्टेल्थ मिसाइल स्ट्रेचर जहाज INS विशाखापत्तनम नौसेना के बड़े बेड़े में शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक 21 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS विशाखापत्तनम को नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। इसके लिए मुंबई डॉकयार्ड में कमिश्निंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। वहीं INS बेला को नौसेना प्रमुख एडिशनल करमबीर सिंह मुंबई में आयोजित सेरेमनी में नौसेना में शामिल करेंगे। INS बेला को एडिशनल MDL ने फ्रांस की मदद के लिए तैयार किया है। इस श्रेणी को तीन और पनडुब्बी, INS कलवरी, खंडेरी और खरंज पहले से ही नौसेना में शामिल हो गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान ने की थी सऊदी अरब को UAE को बदनाम करने की कोशिश, खुलासे के बाद हड़कंप, पाकिस्तान पर बैन लगा सकता है सऊदी अरब। दोस्तों, पाकिस्तान को छोड़कर भारत के साथ देने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पाकिस्तान ने झूठी जानकारी फैलाकर इन दोस्तों को बदनाम करने की कोशिश की। ताज़ा खुलासा हो गया है। पिछले दिनों भारत में असम में अतिक्रमण हटाने को लेकर जो हिंसा हुई थी उसको लेकर भी पाकिस्तान ने भारत के साथ सऊदी अरब और UAE के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया था। रिपोर्ट में सबसे सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है कि निशाने पर सीधे तौर पर सऊदी प्रिंस सलमान थे और इस खुलासे के बाद सनसनी फैल गई और माना जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल डिंस इंफो लैब की नई रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने सीधे तौर पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ कैंपेनिंग की थी और उन्होंने इसे महीने पाकिस्तान को $4 अरब की मदद की थी। इटली के सलाहकार और जियो स्ट्रेटजी विशेषज्ञ सर्जियो रेल्टिनी ने टाइम्स ऑफ इसराइल में लिखे गए एक लेख में यह खुलासा किया है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जिन्ना और उनकी बहन की संपत्ति का पता लगाएगा कोर्ट खोज के लिए एक सदस्यीय आयोग गठन। दोस्तों, भारत में जिन्ना हो रहा है, लोगों को जिन्ना याद आ रहे हैं चुनाव से पहले। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की एक अदालत ने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना की संपत्ति और अन्य सामानों का पता लगाने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया। सिंध उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रहीम फहीम अहमद सिद्दीकी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोग गठन किया गया।
अदालत ने जिन्ना और उनकी बहन के शेयर, आभूषणों, गाड़ियों और बैंक खातों में मौजूद पैसों सहित संपत्तियों को संबंधित 50 साल पुराने एक मामले को सुनवाई के दौरान कही थी। अगले अपडेट दोस्तों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन, 14 राज्यों के 50 से ज्यादा ठिकान, 83 लोगों को गिरफ्तार, 7 और 50 व्हाट्सएप रडार पे। दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बाल शोषण यौन के जुड़े मामलों में अलग अलग शहरों में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर दिया है। इन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। दरअसल सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बाल यौन शोषण से जुड़े 23 अलग अलग मामलों में करीब 83 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने 14 राज्यों में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद मंगलवार को सीबीआई ने 14 राज्यों में 77 से ज्यादा शहरों में रेड की है, यानी 77 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी सीबीआई ने की है। जाँच के दौरान 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप सीबीआई टीम की रडार पर थे। साथ ही जांच के दौरान देश विदेश में मौजूद ऐसे 5000 लोगों के बारे में जानकारी मिली जो सोशल मीडिया पे बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का प्रसार कर रहे हैं। तो ये ताबड़तोड़ सीबीआई का एक्शन जारी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, COP26 भारत के अड़े रहने से भड़के पश्चिमी देशों, तो चीनी मीडिया ने किया बचाव। दोस्तों, आपको बता दें, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सम्मेलन COP26 में भारत और चीन की एकजुटता के चलते कई पश्चिमी देश नाराज हो गए हैं। दरअसल इस सम्मेलन में पहली बार चाइना ने भारत का समर्थन किया है। सम्मेलन में पेश मसौदे में सभी देशों को कोयले के इस्तेमाल के लिए फेज आउट यानी कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बंद करने पर सहमति देनी थी, लेकिन आखिरी पलों में भारत ने इसे जरूरत के हिसाब से फेज डाउन यानी धीरे धीरे कम कर दिया। चीन ने भी इस मामले में भारत का समर्थन किया। भारत के इस कदम का ईयू यानी यूरोपीय यूनियन, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, फिजी, मालदीव समेत कई देशों ने निंदा की। हालांकि चीनी मीडिया ने भारत के रुख को सही बताते हुए पश्चिमी देशों को फटकार लगाई है। चीन की सरकार के मुखपत्र कहलवाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस मुद्दे पर एक संपादकीय लेख छापा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में शीर्षक में लिखा है कि पश्चिमी देशों को कोयले के इस्तेमाल को लेकर भारत और चीन को फटकार लगाना बिल्कुल अनुचित है। हम चलते हैं अगले अपडेट। अहमदाबाद के पार्क में खुले में नमाज। जी हाँ, अभी तक गुड़गांव और गुजरात में ही पहुंच गए नमाजी खुले में नमाज करने। हालांकि बजरंगियों ने और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां पे घुस गए और गंगा जल लेके शुद्धिकरण किया। गुजरात के अहमदाबाद के एक पार्क में नमाज पढ़ने का वीडियो जो है वायरल होने के बाद बवाल मच गया। यहाँ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गंगा जल डालकर पार्क का शुद्धिकरण किया है। इस मामले में अभी किसी भी पक्ष के पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मामला अहमदाबाद के वास्तापुर इलाके का है। यहाँ मुस्लिमों ने पार्क में नमाज पढ़ी। इसके यहाँ पे बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे पार्क को शुद्धिकरण किया। वहीं पुलिस कहना है कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें, अभी तक हरियाणा के गुरुग्राम में ये मामला निकल के आया था, लेकिन अब एक बार फिर से गुरुग्राम के बाद गुजरात के अहमदाबाद के पार्कों में खुले में नमाजी पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसके बाद से विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो भड़क गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। करतारपुर कॉरिडोर खोल, भाजपा ने खेला मास्टर स्ट्रोक, 58% सिखों पर पैड बनाने की तैयारी। दोस्तों, पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोल करके मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अभी तक हिंदू वोटरों का दावा करने वाली पार्टी इस फैसले के जरिए 58% सिख वोटरों पर पैड बनाने का प्रयास कर रही है। इस बार भाजपा पंजाब चुनाव में अब पहली बार अकेले किस्मत आजमा रही है। पुराने सहयोगी अकाली दल भाजपा का साथ छोड़ चुके हैं। 26 मार्च 2022 को पंजाब सरकार के 5 साल पूरे हो जाएंगे। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद राज्य में अपनी जमीन तलाश रही है। राज्य के भाजपा नेताओं को 2 दिन दिल्ली के दौरे पर गुरु नानक जी की 552वीं के प्रकाश पर्व के ठीक पहले करतारपुर गलियारे को बुधवार को खोलने का फैसला लिया था। फिलहाल हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। भाजपा ने अखिलेश यादव को दिया करारा झटका, एक विधायक के बदले 4 MLC तोड़े। दोस्तों, यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे के संगठन में सेंध लगाने, विधायकों को तोड़कर पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला तेज हो गया है। इसी बीच भाजपा ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के 4 MLC नरेंद्र भाटी, सीपी चंदर, रविशंकर सिंह, रमा निरंजन को पार्टी ज्वाइन कराकर पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हिसाब बराबर कर लिया है। गौरतलब है, बीते 30 अक्टूबर को ही अखिलेश यादव ने बीएसपी के 6 बागी विधायकों के साथ सीतापुर भाजपा विधायक राकेश राठौर को भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला दी है।
तो दोस्तों फिलहाल एक और बड़ी खबर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। ड्रग्स मामले में एसटीएफ रिपोर्ट को दबाए रखने का लगाया आरोप। दोस्तों पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनने कहा है कि पंजाब की जनता 2017 में ये वादा किया था कि हम 4 हफ्ते में ड्रग्स से जुड़े लोगों की कमर तोड़ देंगे, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2020 तक पंजाब लगातार 4 सालों तक एनडीपीएस से जुड़े अपराधों के मामले में पहले नंबर पर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि ड्रग्स पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम अकाली दल के निंदनीय विरासत को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर